इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन। आज मिल्लत इस्लामिया एक अजीम रहनुमा सैयद मुकावमत सैयद हसन नसरुल्ला से महरूम हो गई है। जब से उनकी शहादत की खबर दुनिया भर में फैली है, दुनिया के तमाम हुर्रियत पसंद इंसान, तमाम मज़लूमीन आलम में गम की एक लहर दौड़ गई। उनकी शहादत ने दिलों को तोड़ दिया और सारे दुनिया के लोग इस वक्त गम में डूब गए हैं। जितने हुर्रियत पसंद इंसान हैं, एक हमदर्द, एक ऐसा इंसान के जिसने पूरी ज़िंदगी मज़लूमों की हिमायत में, कमज़ोरों की हिमायत में मुस्तज़फ़ीन आलम के लिए आवाज़ उठाता रहा, जिसने दिन रात अपनी निजी ज़िंदगी, अपनी ज़ाती ज़िंदगी को छोड़कर सब कुछ दाव पे लगा दिया और अपनी जान हथेली पे लिए, हर रोज़ शहादत का इंतज़ार करते रहे, आज वो अपनी आरज़ू पर पहुंच गए। वो सैयद उश्शहदा की ख़िदमत में पहुंच गए। वो मुकावमत के जनाब हमज़ा सैयद उश्शहदा की तरह शहीद हो गए और दुश्मनों ने का कलेजा ठंडा हो गया और दुश्मन जो है ये समझ रहा है कि जिस तरह जनाब हमज़ा की शहादत के बाद उनका जिगर चाबा गया था, इस तरह से जिस बेदर्दी के साथ बम गिराए गए हैं कि वो मामूली बम नहीं थे, वो मामूली अटैक नहीं था, वो पूरी तरह से सेफ थे, लेकिन जिस तरह का हमला किया गया, ऐसा कभी जो है दुनिया की निगाहों के सामने जो है इस तरह का जुल्म जो है कभी भी जो है नहीं ढाया गया। ये इंसाफ़ की धज्जियाँ उड़ाई गई हैं, जुल्म और नाइंसाफ़ी जो है की हद हो गई है और बर्बरियत की हद हो गई, और दुनिया की खामोशी इससे ज़्यादा जो है दर्दनाक है। और ये सब इम्तिहान है, ये मिल्लत इस्लामिया का इम्तिहान है कि किस तरह से हसन नसरुल्ला ने, जबकि उनके लिए कोई मुश्किल नहीं थी, वो दीगर अरबों की तरह, दीगर मुसलमानों की तरह, अमारात वालों की तरह, क़तर वालों की तरह, सऊदी वालों की तरह आराम से जी सकते थे, लेकिन हसन रसूलुल्लाह ने जो रास्ता इख्तियार किया था वो रास्ता शहादत ही पे ख़त्म होने वाला था। हसन रसूलुल्लाह जो है वो खस्तगी नापजीर और शिकस्त नापजीर शख्सियत का नाम था। उन्होंने जुल्म और जोर की को हिला के रख दिया था, उन्होंने इसराइल को सबक सिखाया था। इसराइल अब मायूस हो चुका था, अब इसराइल बचने वाला नहीं था, वो अपनी कमी को और अपनी कमज़ोरियों को छुपाने के लिए और उसने जो है ये नौजवान मर्दाना हमला किया है, मैदान में नाकाम हो रहा था और हर तरह से जो है वो जवाब नहीं दे पा रहा था, हसन नसरुल्लाह का जवाब नहीं दे पा रहा था, वो कमज़ोर पड़ गया था, वो जानता था कि हम मरने वाले हैं, हम ख़त्म होने वाले हैं, लिहाजा उसने जो है हसन नसरुल्लाह को शहीद करके ये समझ रहा है कि हम कामयाब हो गए, नहीं, मुकावमत और मज़बूत होगी, हसन नसरुल्लाह की आरज़ू और तमन्नाएँ पूरी होंगी और उनकी जो आरज़ू और ख्वाहिश है वो इंशाल्लाह पूरी हो के रहेगी। उन्होंने जो सबसे बड़ा बयान दिया था वो जो यहाँ पर जो है दर्ज है, वो मैं चाहूँगा कि मीडिया इसको नशर करे। ये ख़ास जो है हसन नसरुल्लाह का बयान है जो इंग्लिश में है कि हम अली इब्ने अबी तालिब के मानने वाले कभी भी मसले फ़लस्तीन से दस्तबरदार होने वाले नहीं हैं। हम अली इब्ने अबी तालिब के मानने वाले कभी जो है वो बैतुल मक़द्दस से और क़िबले अव्वल से दस्तबरदार होने वाले नहीं हैं। हम कभी मज़लूमों का साथ छोड़ने वाले नहीं हैं और हम मज़लूमों की हिमायत करते रहेंगे और ज़ालिम को मज़ा चखाएंगे। हम मैदान छोड़ नहीं रहे हैं, हम कभी भी जो है घबराए नहीं हैं। बेहतरीन हिकमत अमली के साथ उन्होंने एक साल तक मुकावमत की और किस तरह से उन्होंने गज़ा को बचाया, किस तरह से उन्होंने हथियार डालने नहीं दिया मुसलमानों को, मुसलमानों की इज़्ज़त को बचाया, मुसलमानों की आबरू को बचाया, मुसलमानों के लिए वो हिम्मत थे, वो मुसलमानों के लिए हौसला थे। और दुश्मन समझ रहा है कि अब मुकावमत कमज़ोर होगी, मुकावमत की रूह निकल गई है, यकीनन मुकावमत की रूह निकल गई, लेकिन मुकावमत को ताज़ा रूह मिलेगी, मुकावमत का जसद
बाकी है और ताज़ा रूह मिलेगी। जिस तरह से शेख रागिब हर शहीद हुए, मुकावमत कमज़ोर नहीं हुई, सैयद अब्बास मूसवी शहीद हुए लेकिन मुकावमत कमज़ोर नहीं हुई, आज सैयद हसन नसरुल्लाह अपनी एक लंबी ज़िंदगी मुकावमत की गुजार कर, वरना जिस पोजीशन पे वो थे वो इतने दिन तक रह नहीं सकते थे। आपको मालूम है ये बात कि शेख रागिब हर्ब जो है सिर्फ 3 साल के अरसे में शहीद कर दिए गए, अब्बास मूसी कितने कम अरसे में शहीद कर दिए गए, लेकिन अल्लाह ने उन्हें बचाया था आज के दिन के लिए। आज उन्होंने अपना वादे को पूरा कर दिया। वमिनल मोमिनीना रिजालुन सदखु मा अहदुल्लाह अलैह फमिनहुम मन खज़ा नहबहु वमिनहुम मन यंतज़िरु वमा बदलू तब्दीला।